ग्रुप के जरिए कैसे हम महिलाओं और साथ ही साथ गरीबों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करें। अच्छा। कॉम्पिटिशन्स कराते थे जैसे दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता, तो सास सजाएगी अपनी बहू। अच्छा, क्या बात है। या फिर दोनों का वो जो त्रिटंगी दौड़। सबसे पहले तो मैं इस 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने We're going to attack untouchability. We would have heard this as incredible. Because we would have compared it with whites, and no whites were talking about giving us political power or attacking racism. I understand. I will ask you to add one point, and then okay. I will go and translate in Hindi. बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मलेलांग नगर में स्थित 9वीं सदी का बौद्ध विहार है। यह 6 चकोर चबूतरों पर बना है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग गोलाकार है। यह 2672 शिलालेखों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सजा हुआ है। भूमि स्पर्श मुद्रा अर्थात पृथ्वी साक्षी है। यह उनके महाज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। वरद मुद्रा अर्थात दान व परोपकार, यह दानवीर बुद्ध का प्रतीक है। यह वो समय था जब डेविड ने अपना नाम बदलकर अनागारिक धम्मपाल कर दिया था। सन 1891 में अनागारिक धम्मपाल ने भारत स्थित बौद्ध गया के महाबोधि महाविहार की यात्रा की। 13 जुलाई 1931 अनागारिक धम्मपाल बाकायदा बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्होंने प्रव्रजा ग्रहण की। 16 जनवरी 1933 को प्रव्रजा पूर्ण हुई और उन्होंने उपसंपदा ग्रहण की और फिर नाम पड़ा भिक्षु देवमित्त धम्मपाल। इनके अस्थियां पत्थर के एक छोटे से स्तूप में मूलगंध कुटी विहार में पार्श्व में रख दी गई। अनागारिक धम्मपाल बुद्धिस्ट जगत के एक ख्याति प्राप्त हस्ती। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक आमदार बलवंतराव वानखड़े, इनका भतीजा हूँ। वैसे देखा जाए तो आज मेरे लिए काफ़ी मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि मेरे जो चाचा जी है विधायक बलवंत वानखड़े, इनके ऊपर अगर बोला जाए तो वर्ड्स मेरे पास सही में नहीं है, ऐसा उनका मतलब इमेज है। मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, हालांकि 25-30 साल हो गए। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, संघर्ष करते करते आज वो इस पोजीशन पे है कि इस तालुके के इस मदार संघ के वो आमदार है। ये है बलवंत भाऊ, पूरा नाम बलवंत बसवंत वानखेड़े और आज की पहचान विधायक बलवंतराव वानखेड़े, आमदार साहेब